नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता पांडे भारद्वाज NIOS के स्टूडियो में आप सभी का इस व्याख्यानमाला में स्वागत करती हूं। आज के इस व्याख्यान में व्यक्तित्व आकलन की अप्रक्षेपी प्रविधियों पर हम चर्चा करेंगे। अप्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्तित्व आकलन की वह प्रविधि है जिसमें व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार, पसंद, नापसंद, रुचियों या पूर्व धारणाएँ आदि मापन के परिणामों को प्रभावित करते या नहीं करते हैं। इन प्रविधियों में चेतन मन का प्रयोग अधिक किया जाता है। सिगमंड फ्रायड ने मन के तीन स्तर बताए जो कि तीन प्रकार के व्यवहारों का संचालन करते हैं, चेतन व्यवहार, अवचेतन व्यवहार और अचेतन व्यवहार। चेतन व्यवहार में व्यक्ति की अनुभूतियाँ, संवेदनाएँ उसके वर्तमान से संबंधित होती हैं और यह सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत मानी जाती हैं, जबकि अवचेतन व्यवहार के अंतर्गत व्यक्ति की इच्छाएं एवं विचार जो वर्तमान चेतन में नहीं हैं परंतु चेतन मन में आने का प्रयास करती हैं। और तीसरा स्तर अचेतन व्यवहार। अचेतन व्यवहार में व्यक्ति के इच्छाएं एवं विचार जिनका स्वरूप अनैतिक एवं असामाजिक होता है और जिसे व्यक्ति पूरा करने के लिए प्रयासरत रहता है और यह विशेषताएँ निष्क्रिय रहती हैं और हमेशा चेतन अवस्था में आने के लिए प्रयास करती रहती हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तित्व आकलन में ये मन के तीन स्तर और जो अप्रक्षेपी विधियां हैं वह चेतन स्तर पर अधिक बल देती हैं। अप्रक्षेपण विधियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, वस्तुनिष्ठ विधियाँ एवं आत्मनिष्ठ विधियाँ। सर्वप्रथम हम वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व आकलन की जो वस्तुनिष्ठ विधियां हैं वह प्रविधि हैं जिसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार, पसंद, नापसंद, रुचियों एवं पूर्व धारणाएं आदि मापन के परिणामों को प्रभावित नहीं करती। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व में उपस्थित गुणों को कथन या प्रश्न के माध्यम या परिस्थिति को प्रस्तुत करके जानने का प्रयास परीक्षणकर्ता के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत अनेक उदाहरण हैं जैसे निर्धारण मापनी, परिसूची, प्रश्नावली, परिस्थिति परीक्षण, समाजमिति आदि प्रमुख परीक्षण माने जाते हैं। सबसे पहले निर्धारण मापनी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों के गुणों का निर्धारण करने की यह अत्यंत प्राचीन विधि है और इस मापनी के द्वारा हम अक्षरों, अंकों, शब्दों या प्रतीकों आदि की सहायता से व्यक्ति में उपस्थित गुणों का आकलन किया जाता है। निर्धारण मापनी में निर्धारक प्रायोज्य के विभिन्न गुणों की उपस्थिति, मात्रा, तीव्रता अथवा बारंबारता का निर्धारण अपने विवेक के आधार पर करता है। इस परीक्षण के अंतर्गत जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है उस व्यक्ति को प्रायोज्य या विषयी, सब्जेक्ट कहा जाता है, जबकि निर्धारक वह व्यक्ति होता है जिसका प्रायोज्य के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। निर्धारण मापनी के कई प्रकार हैं जिनमें से मुख्य रूप से चेकलिस्ट, आंकिक निर्धारण मापनी, क्रमिक निर्धारण मापनी एवं बाध्य चयन निर्धारण मापनी है। सर्वप्रथम चेकलिस्ट। चेकलिस्ट की सहायता से हम किसी भी व्यक्ति में उपस्थित अथवा अनुपस्थित गुणों को हम ज्ञात कर सकते हैं और इसमें कुछ कदम दिए गए होते हैं जो मापे जाने वाले गुणों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का संकेत करते हैं। निर्धारक को किसी भी व्यक्ति के संबंध में यह निर्णय करना होता है कि चेकलिस्ट में दिए गए कथन या प्रश्न उस व्यक्ति के संदर्भ में सही हैं या गलत हैं। निर्धारक कथनों के आगे सही अथवा गलत का निशान लगाकर अपने निर्णय को इंगित करता है। सही अथवा गलत के निशानों के आधार पर व्यक्ति में उपस्थित गुणों का मापन किया जाता है। इसको विभेदक बनाने के लिए यथाचित कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। अपने अध्यापक के विभिन्न गुणों के संबंध में अपनी राय को दिए गए यथातित शब्दों में एक पर सही का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करें। जैसे बुद्धिमता एक शब्द है और इसको निर्धारक बहुत अधिक, अधिक, सामान्य, कम, काफ़ी कम जैसे शब्दों के रूप में एक पे सही चिन्ह लगाकर प्रायोज्य में उपस्थित उस गुण को बताता है। इसी प्रकार से विनम्रता को सदैव, प्राय, कभी कभी, बहुत कम, बिल्कुल नहीं शब्दों के रूप में चिन्हित करता है और इसी प्रकार अनेक शब्दों की श्रृंखला इस चेकलिस्ट के अंतर्गत दी जाती है। अगली निर्धारण मापनी है आंकिक निर्धारण मापनी।
इस मापनी में निर्धारक किसी व्यक्ति के संदर्भ में कथनों से सहमत या असहमत होने की सीमा को अंकों की सहायता से अभिव्यक्त करता है। इन अंकों को 3, 4, 5 या 7 आदि सातत्य स्केल पर क्रमबद्ध किया जाता है। जैसे पंचबिंदु मापनी में 1, 2, 3, 4, 5 क्रमशः निम्नतम, सामान्य से कम, सामान्य, सामान्य से अधिक व अधिक माना जाता है। इसका अगर हम उदाहरण देखें तो इस आंकिक निर्धारण मापनी में व्यक्तित्व संबंधी प्रत्येक कथन के आगे जो अंकित 1, 2, 3, 4 और 5 में से किसी एक अंक पर घेरा लगाकर उत्तरदाता को अपना उत्तर प्रदान करना होता है। जैसे सदैव के लिए 5, प्राय के लिए 4, कभी कभी के लिए 3, बहुत कम के लिए 2 और कभी ना के लिए 1। और इसमें जिन कथनों को जिस रूप में प्रदर्शित किया जाता है उसमें व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं, जैसे मैं अपनी सफलताओं से निराश हो जाता हूं। इस तरह 5, 4, 3, 2, 1 में से किसी एक पर घेरा लगाकर गुणों को अभिव्यक्त किया जाता है। इस क्रम में अगली निर्धारण मापनी क्रम निर्धारण मापनी है। क्रमिक मापनी के अंतर्गत निर्धारक को व्यक्ति में उपस्थित विभिन्न गुणों की मात्रा को एक क्रम में निर्धारित करना होता है। इसकी सहायता से व्यक्ति विशेष के संदर्भ में व्यक्तित्व के गुणों की सापेक्ष स्थिति को जाना जाता है। यदि हम इसका उदाहरण देखें तो इसमें गुणों कुछ गुण दिए होते हैं जिसकी मात्रा को एक क्रम के रूप में प्रदान किया जाता है। सबसे अधिक पाए जाने वाले गुण को 1, उससे कम वाले गुण को 2, उससे अगले को 3, 4, 5 और इस तरह निर्धारण मापनी में जितने गुण दिए गए होते हैं निर्धारक के द्वारा प्रयोज्य में उपस्थित उन गुणों को उनकी मात्रा के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करके प्रदर्शित करना होता है। इस क्रम में अगली निर्धारण मापनी है बाध्य चयन निर्धारण मापनी। इस मापनी में प्रश्न के लिए 2 या 2 से अधिक गुण दिए जाते हैं जिसमें निर्धारक को एक ही विकल्प को का निर्धारण करना होता है। किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में कौन सा गुण अधिक उपयुक्त होगा इसे निर्धारक के द्वारा तय किया जाता है। उदाहरण के रूप में लक्ष्य में सफल ना होने पर मुझे लगता है कि मैं दिए गए 4 विकल्पों में से निर्धारक के द्वारा एक विकल्प पर चयन किया जाता है और इस प्रकार मापनी में दिए गए अनेक कथनों पर दिए गए विकल्पों में से निर्धारक के द्वारा प्रायोज्य में उपस्थित उन गुणों के आधार पर दिए गए विकल्पों में से किसी एक पर चिन्ह लगाकर राय अभिव्यक्त करनी होती है और इन सभी के ऊपर फिर व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। अतः वस्तुनिष्ठ विधियों में यह सर्वप्रथम पहली निर्धारण मापनी जिसमें हमने 4 प्रकार की निर्धारण मापनियों पर चर्चा की। अगला परीक्षण जिसे परिसूची या प्रश्नावली कहा जाता है। परिसूची अथवा प्रश्नावली कथनों अथवा प्रश्नों का एक संकलन होता है जिस पर प्रयुत्तर के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति अपने व्यवहार के संबंध में सूचना प्रदान करता है। व्यक्तित्व परिसूचियों की सहायता से व्यक्ति के व्यक्तित्व में उपस्थित शील गुणों की परिस्थिति तथा मात्रा को कुछ प्रश्नों या कथनों की सहायता से जानने का प्रयास किया जाता है। व्यक्ति अपने स्वयं के व्यक्तित्व के संबंध में सूचना प्रदान करता है तथा उसके द्वारा प्रदत्त इन सूचनाओं के आधार पर परीक्षणकर्ता या मनोवैज्ञानिक उस व्यक्ति के व्यवहार का आकलन करते हैं। इसका प्रयोग व्यक्ति की चिंताओं, परेशानी आदि की क्रमबद्ध सूचना प्राप्त करने हेतु किया जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति के आर्थिक, धार्मिक, सार्वजनिक धारणाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। व्यक्ति की कला, संगीत, साहित्य आदि में रुचि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। प्रश्नावली अनेक प्रकार की होती हैं जिसमें बंद, जिसके अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर हाँ नहीं में लिए जाते हैं, खुली या ओपन क्वेश्चनियर जिसमें उत्तर लिखकर प्रस्तुत किया जाता है, सचित्र जिसके अंतर्गत विभिन्न चित्रों में से एक चिन्ह पर सही का चिन्ह लगाकर राय अभिव्यक्त की जाती है, तथा मिश्रित प्रश्नावली जो कि उपरोक्त तीनों बंद, खुली एवं सचित्र प्रश्नावली का सम्मिश्रण है जिसके अंतर्गत उत्तर हाँ नहीं में भी लिखकर तथा विभिन्न चित्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। बहुप्रचलित व्यक्तित्व परिसूची जो कि मिनिसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व परिसूची है जिसके प्रतिपादक हार्थवे एवं
मैकनिले हैं और इन्होंने 1940 में इस परिसूची का प्रतिपादन किया। इस परिसूची में 550 एकांश हैं जो व्यक्तित्व संबंधी किसी न किसी एक गुण पर आधारित होते हैं। प्रत्येक एकांश का उत्तर तीन श्रेणियों में लिया जाता है, सत्य, असत्य और कह नहीं सकता। इसके दो प्रतिरूप होते हैं, व्यक्तिगत एवं सामूहिक। इस परिसूची का मुख्य उद्देश्य रोगात्मक शील गुणों को मापना है और इस परिसूची के कई संशोधित प्रारूप भी हैं। प्रश्नावली का अति चर्चित उदाहरण कैटेल के 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली है, जिसका प्रतिपादक कैटेल ने किया और इसे उन्होंने कारक विश्लेषण के आधार पर 16 व्यक्तित्व के गुणों का प्रतिपादन किया। इस परीक्षण द्वारा 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है और इन 16 शील गुणों को कैटल ने तीन तरह के शील गुणों का समावेश, जिसमें चित्र, प्रकृति, टेम्परामेंट, क्षमता, एबिलिटी तथा गत्यात्मक, डायनेमिक के रूप में समावेश किया। इन 16 शील गुणों को द्विध्रुवी, जिसमें उच्च प्राप्तांक एवं निम्न प्राप्तांक के ऊपर इसे चिन्हित किया गया, और अगर इसका हम प्रतिरूप देखें तो इसे 16 कारकों को 1 to 8, 1 लो स्कोर बताता है और 1 जो है निम्न प्राप्तांक की ओर दर्शाता है और 8 उच्च प्राप्तांक, और 1 और 8 के इस द्विध्रुव के ऊपर इन 16 गुणों के ऊपर प्रायोज्य के व्यक्तित्व को मापा जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में तीसरा जो अत्यंत लोकप्रिय परीक्षण है वह है परिस्थिति परीक्षण। इसके प्रतिपादक मे एवं हार्टशोन हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए यह परीक्षण अति उपयोगी माना जाता है और इस विधि में प्रायोज्य या विषय को किसी विशेष परिस्थिति में रखकर उसके व्यवहार या किसी विशेष गुण की जांच की जाती है। अतः इस परीक्षण द्वारा यह परीक्षित किया जाता है कि व्यक्ति जीवन की वास्तविक परिस्थिति में किस प्रकार का कार्य या व्यवहार करता है। उदाहरण के रूप में इस विधि का प्रयोग किसी व्यक्ति में ईमानदारी के गुण की जांच करना हो तो इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसके अनेक उदाहरण हैं, जैसे बास्केट टेस्ट आदि। व्यक्तित्व आकलन की अप्रक्षेपी विधियों में जो दूसरा वर्ग है वह है आत्मनिष्ठ विधियाँ। व्यक्तित्व आकलन की यह प्रविधियाँ, जिसमें प्रायोज्यों या परीक्षणकर्ता के व्यक्तिगत विचार, पसंद, नापसंद, रुचियों या पूर्व धारणाएं आदि मापन के परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं, उन्हें आत्मनिष्ठ विधियों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व संबंधी गुणों को प्रायोज्य से प्रश्न पूछकर या परिस्थिति विशेष प्रस्तुत करके उसका प्रेक्षण कर जानने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार की विधियों में अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, जीवन विधि, इतिहास विधि आदि आते हैं। सर्वप्रथम प्रेक्षण विधि, जीवन की वास्तविक परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना प्रेक्षण को दर्शाता है। आकलन हेतु व्यक्तित्व गुणों का निर्धारण किया जाता है और मापित गुणों से संबंधित प्रायोज्य के क्रियाकलाप तथा व्यवहार का एक स्वाभाविक रूप में अवलोकन करने का प्रयास किया जाता है। इस विधि के दो रूप हैं, सहभागी, पार्टिसिपेटरी एवं असहभागी। सहभागी विधि के अंतर्गत प्रेक्षणकर्ता प्रेक्षित परिस्थिति का अंग होता है तथा असहभागी परिस्थिति में वह तटस्थ होकर प्रेक्षित परिस्थिति का प्रेक्षण करता है। प्रेक्षण विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रेक्षणकर्ता के द्वारा प्रेक्षण का परिवेश का चयन किया जाता है और फिर प्रेक्षणीय व्यवहार का क्या रूप होगा, क्या स्वरूप होगा, इसके बारे में निर्धारण किया जाता है और प्रेक्षणकर्ता का प्रशिक्षण तथा प्रेक्षण में की गई मुख्य गुणों का, घटनाओं का अभिलेख प्रेक्षणकर्ता के द्वारा तैयार किया जाता है। इस क्रम में दूसरी आत्मनिष्ठ विधि, साक्षात्कार विधि, जिसका शाब्दिक अर्थ आंतरिक अवलोकन करना, यह एक मौखिक विधि है जिसका प्रयोग शारीरिक एवं मानसिक अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। वुडवर्ड्स के अनुसार साक्षात्कार संक्षिप्त वार्ता द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। किसी उद्देश्य से किया जाने वाला वार्तालाप जो एक विशेष परिस्थिति में साक्षात्कारकर्ता, इंटरव्यूअर एवं प्रत्यर्थी, इंटरव्यूई के मध्य किया जाता है। साक्षात्कार
तीन रूपों में किया जा सकता है, संरचित साक्षात्कार, असंरचित एवं केंद्रित साक्षात्कार। संरचित साक्षात्कार वह साक्षात्कार है जिसमें उसकी साक्षात्कार की विधि, समय तथा प्रश्नों की भाषा एवं समय सभी पूर्व निर्धारित कर लिए जाते हैं। असंरचित में वार्तालाप के समय ही प्रश्न साक्षात्कारकर्ता द्वारा बनाए जाते हैं तथा अत्यंत सहज रूप से उत्तरदाता से बातचीत करके जाना जाता है, जबकि केंद्रित साक्षात्कार में दोनों प्रकार के साक्षात्कारों का मिश्रण किया जाता है। यह साक्षात्कार कैसे किया जाए? सर्वप्रथम साक्षात्कार अनुसूची तैयार करता है, उसके बाद सौहार्द स्थापन द्वारा वास्तविक साक्षात्कार किया जाता है, उत्तरदाता द्वारा दिए गए उत्तरों या व्यक्त प्रतिक्रियाओं का अभिलेख बनाया जाता है तथा प्राप्त अनुक्रियाओं का विश्लेषण एवं व्याख्या अंतिम सोपान के अंतर्गत किया जाता है। जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि द्वारा किसी एक व्यक्ति की विशेषताओं, व्यवहार और उसके मानसिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में व्यक्ति से संबंधित समय उपलब्ध तथ्यों का संग्रह किया जाता है तथा इसका प्रयोग असाधारण व्यक्तियों या बालकों को समझने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में सूचनाएं अनेक स्रोतों से एकत्रित की जाती हैं, जिसमें विषयी या प्रयोज्य, उसके माता पिता, उसके पड़ोसी, उसके संबंधी, मित्र, अध्यापक आदि से उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इस विधि में विषयी के जीवन से संबंधित जो सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं उनमें विषयी के सामाजिक संबंध, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, दूसरों के साथ सामंजस्य, रुचियाँ, दृष्टिकोण एवं शारीरिक विशेषताएँ आदि सम्मिलित होती हैं। अतः आज इस व्याख्यान में हमने व्यक्तित्व आकलन की अप्रक्षेपी विधियां वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत निर्धारण मापनी, परिसूची, परिस्थिति परीक्षण तथा आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि एवं जीवन इतिहास विधि के बारे में जाना। धन्यवाद।